मर चुके मरीज के मास्क को लेकर महिला ने बचाई अपनी जान, जिला अस्पताल की अव्यवस्था हुई उजागर। एक माह के लिए निरस्त की गई छिंदवाड़ा इतवारी ट्रेन, संक्रमण का सबसे बड़ा वाहक बन रही थी ट्रेन। हाईटेक प्रोसेसिंग कंपनी में केमिकल ब्लास्ट में घायल में फिर गई एक जान, अब तक 3 मजदूरों की हो चुकी है मौत। इंजीनियर ने राजदूत को बना दिया सैनिटाइजर बाइक, पतली गली छोटे स्थानों में पहुंचकर कर सकेंगे सैनिटाइज। और कोतवाली पुलिस की दबिश में जब्त हुई 145 लीटर अवैध शराब, 60,000 कीमत की थी शराब। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में एक महिला कोरोना योद्धा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला की होशियारी से उसकी जान तो बच गई, लेकिन महिला के द्वारा जारी बयान की माने तो जिला अस्पताल की व्यवस्था की कलई खुल गई कि कैसे मरीज की जान चली जाने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहता है, और कैसे उस महिला के लिए किसी स्वास्थ्य कर्मी में अपनी ड्यूटी नहीं निभाई जो उसे उस मृत के ऑक्सीजन मास्क को रिस्क लेकर इस्तेमाल करना पड़ा। साथ ही साथ एक दिन पहले जब वह भर्ती होने आई तो उसे महिला बाल विकास में कार्यरत होने के बावजूद बेड नहीं मिला। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में कोरोना जान ले रहा है या कुप्रबंधन, इसकी कहानी इस महिला ने खोल कर रख दी। आज भी संक्रमण के कारण प्रोटोकॉल के अनुसार 27 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया। तो जब छिंदवाड़ा आई तो यहाँ पर मुझे बेड मिला, ऊपर आई यहाँ भर्ती हुई, तो यहाँ देखी मैंने एक पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत बहुत सीरियस कंडीशन में थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई, तो मुझे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। मैं आई और मैंने उसको ऑक्सीजन का जो लगा हुआ था उसको निकाला, सैनिटाइज किया और ऑक्सीजन लगा लिया। जिले में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा संवाहक बनने के बाद अंततः इतवारी छिंदवाड़ा ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। रेलवे द्वारा अभी भी रद्द करने का कारण कम यात्री ही बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा से इतवारी जाने वाली गाड़ी और इतवारी से छिंदवाड़ा आने वाली गाड़ी बहुत कम यात्रियों के कारण 1 मई से 31 मई तक बंद की गई है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल के पहले तक असुरक्षित ढंग से महाराष्ट्र के नागपुर से आने वाले यात्रियों के द्वारा काफी संक्रमण फैला है। 7 अप्रैल से प्रशासन की सख्ती के बाद अब तक करीब 325 यात्री ही स्टेशन पहुंच सके। पांडुरना नगर के ड्राइडेट फूड प्रोसेसिंग कंपनी में विगत दिनों 23 अप्रैल को हुए केमिकल ब्लास्ट में घायल चंद्रशेखर संभारे की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह इस ब्लास्ट में हुई तीसरी मौत है। इसके पूर्व 2 कंपनी के कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। अभी भी गंभीर रूप से घायल एक कर्मचारी नागपुर में भर्ती है। पांडुरना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई स्थिर है, जबकि अचानक ब्लास्ट से कंपनी के सुरक्षा मानकों पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो चुका है। उबैदनगर निवासी इंजीनियर हुजैफी खान द्वारा राजदूत को मॉडिफाई कर एक सैनिटाइजर बाइक बनाई गई है। न्यू युवा परिवर्तन के संस्थापक सदस्य नोनिया निवासी शेख फारूक ने बताया कि कोविड काल में भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मेडिकल क्लिनिक, सिटी स्कैन सेंटर और जिन घरों में संक्रमित मरीज हैं वहां से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इस खतरे को दूर करने के लिए सैनिटाइजर बाइक बनाई गई है। इंजीनियर हुजैफी खान ने बड़े भाई इंजीनियर कैफी खान से प्रेरणा लेकर अपने पापा अबुशमा खान की पुरानी गाड़ी को सैनिटाइजेशन बाइक बना दिया। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चांद नाका के पास शारदा चौक में रामकुमार मंडरा के मकान में दबिश देकर 145 लीटर लाल और सफेद मसाला शराब के लगभग 725 पाव बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। TI कोतवाली मनीष राज भदौरिया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश पर असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जा रही है। चांद नाका के पास शारदा चौक है, वहाँ पे राम कुमार मंडरा नामक व्यक्ति की यहाँ भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखे हुए है। सूचना पर विधिवत कार्रवाई की गई और दबिश दी गई, जिसमें कुल लगभग 145 लीटर देसी मदरा प्लेन लाल मसाला और सफ़ेद दोनों तरह का है। इसमें क्वार्टर लगभग 725 क्वार्टर के आसपास से बरामद हुआ है, जो कीमत में कुल लगभग 60,000 होता है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सर्वोदय अहिंसा अभियान के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने शुक्रवार को नवदंपत्ति रूपाली हिमांशु बरमैया को परिणय उत्सव की खुशी में जलपात्र भेंट कर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने की अपील की, जिस पर बरमैया दंपत्ति सहित अहिंसा प्रेमी कमलेश बरमैया, पुजारी हरिशंकर तिवारी, यशराज जैन, याशिका जैन ने पात्रों में जल और भोजन रखा। इसी के साथ सभी अहिंसा प्रेमियों ने पूरे ग्रीष्मकाल में प्रतिदिन गौरैया रानी के लिए यह नेक कार्य करने का संकल्प लिया। आज हम हमारे विवाह के अवसर पर सर्वोदय अहिंसा की ओर से ये स्मरण करते हैं कि हम छोटे छोटे पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करने के लिए हमेशा सच्चे मन से सेवा कार्य करेंगे। सर्वोदय अहिंसा से प्रेरणा लेकर हमारे आदरणीय दीपक भाई से प्रेरणा लेकर, दीपक राजजी जैन से प्रेरणा लेकर पशु पक्षियों को दाना पानी और उनकी जीव रक्षा के लिए संकल्प लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
जीवन प्रारंभ किया है, इसमें संकल्प लिया है। पूजन के प्रथम में नियम अनुसार संकल्प किया जाता है। इस संकल्प में उन्होंने पक्षियों को जल अन्न प्रदान करने का संकल्प लिया है। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लॉकडाउन में गरीबों को भोजन वितरण करने वाली आदिशक्ति दुर्गा पीठ श्रीराम भक्त हनुमान मंदिर समिति को आज भोजन के लिए सहयोग पारुल विज, बलदेव विज, अरुष विज और आशा सतपाल सोनी परिवार द्वारा प्राप्त हुआ। समिति द्वारा शहर में 400 से 500 पैकेट वितरित किए गए। भोजन वितरण की श्रृंखला को समिति के आशीष सोनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। विगत दिवस छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन कर जिला मुख्यालय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की फिराक में घूम रहे 24 वर्षीय युवक को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक युवक देहात थाना पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती के युवक आंजिंग के ठाकरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 6 बॉयल रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बताया कि युवक अमरावती के PDMC अस्पताल में दूसरे मरीजों के नाम से रजिस्टर्ड इंजेक्शन की हेराफेरी करके कहीं भी बेचने की फिराक में था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहा है, उसके पास कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन है और उसको लगभग 25,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेचने के लिए वो अपने ग्राहकों की तलाश कर रहा है। ये सूचना प्राप्त होने पर इस खबर की पुष्टि के लिए एक टीम बनाई गई और इस विशेष टीम ने जब इस व्यक्ति से संपर्क किया और इसको जाल में फंसाया तो इसके पास से पुलिस को 6 रेमडेसिविर के वायल प्राप्त हुए हैं और जिसे वो लगभग 3,00,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को इस आरोपी को गिरफ्तार करने में और ये 6 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। जिले के अर्री विकासखंड शैक्षणिक अंचल के संकुल केंद्र धनौरा अंतर्गत प्राथमिक शाला अंडोल में पदस्थ सहायक शिक्षक विलास बेंडे सेवानिवृत्ति पर शुक्रवार को विदाई समारोह का आयोजन वर्तमान महामारी को देखते हुए ऑनलाइन व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षकों ने कहा कि प्राथमिक शाला अंडोल में लगातार 35 वर्षों तक विलास बेंडे ने अपनी सेवा दी है। सन 1986 में वे शिक्षक बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा के चौक चौराहों पर रोको टोको अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवक चौराहों पर खड़े होकर अपने आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क के प्रति जागरूक करने और अनावश्यक घर से बाहर न आने के लिए आग्रह किया। सब्जी वाले, फल वाले, फेरी लगाकर सामान बेचने वाले जो अन्य व्यक्ति के सतत संपर्क में रहते हैं उनसे आग्रह किया कि वो कम से कम 2 मास्क लगाएं। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि इस कोरोना काल के विकट संकट में अपने अपने घरों से बाहर ना निकले और ना ही बिना मास्क के निकले। अपने को जब बाहर निकल रहे हैं तो उस समय कम से कम अपने चेहरे पर 2 मास्क लगाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती द्वारा 50 बेड का पोस्ट कोविड आइसोलेशन केंद्र स्थानीय संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर नरसिंहपुर रोड पर प्रारंभ किया गया है। इस आइसोलेशन केंद्र में ऐसे व्यक्ति रह सकेंगे जो कोविड का उपचार करवाकर डिस्चार्ज ले चुके हैं और उनके घर पर आइसोलेट रहने के लिए अलग कमरा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा सेवा भारती के द्वारा यह पोस्ट कोविड आइसोलेशन सेंटर का यहाँ शुभारंभ संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया है। इसमें पोस्ट कोविड मरीज जो कि कोविड से ठीक हो चुके हैं वह यहाँ पे निःशुल्क आइसोलेशन की व्यवस्था रहेगी। जो व्यक्ति अपने घर में किसी भी प्रकार से आइसोलेशन में रहने में उनको तकलीफ है तो वे यहाँ पे आके निःशुल्क अपनी सेवा वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भर्ती रहेंगे उनके लिए सुबह अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी, दोपहर में भोजन की, रात्रि भोजन और शाम के टाइम अल्पाहार, और सुबह यहाँ योग टीचर के द्वारा योग कराया जाएगा।
मोखेड़ जनपद अंतर्गत सरोरा के ग्रामीण के कुआं में हिरण के गिरने की सूचना पर डायल 100 नंबर मददगार बन गई। सूचना मिलने पर तत्काल उमरानाला पुलिस पहुंची और आरक्षक ब्रजेश पाल ने अपनी सक्रियता से हिरण की जान बचाई। जानकारी के अनुसार सरोरा पावर हाउस के पास हरी टेकर के खेत में स्थित कुएं में पानी की तलाश में भटकते हुए कुएं में हिरण गिर गया था, जिसे डायल 100 की मदद से निकाला गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।